उभरता हुआ सुपरस्टार पिछले 3 साल में जिला हिसार का ने हरियाणा का नाम रोशन किया है और कई मोटरसाइकिल अपने नाम किए हैं, पंजाब से भी मोटरसाइकिल जीत के आ गए। नन्ना की शानदार सामना करेंगे 4 सुपरस्टार के कैचर, गांव समान जिला फतेहाबाद के, और सीधा टच कर दिया है कैचर को, गजब की रफ्तार और दोस्त का खेल होगा। और जो दोस्त पावर ने नाई कमाल की है अंक सिंह वारागो के खाते में। फिर रेड बाय बाय नरेश खरड़, एक जानदार ताकतवर खिलाड़ी, हरियाणा प्रदेश में जब पहली बार बेस्ट रेडर का बुलेट रखा गया था इंटल जींद में, ताली मारो एक बार ज्यादा नरेश खरड़ के लिए। ये है वो महान खिलाड़ी जो इंटल जिला जींद की धरती से बुलेट मोटरसाइकिल जीत के आया था, और आज कुछ ही समय बाद हरियाणवी संस्कृति के कलाकार भी हमारे बीच में होंगे। भाई नवीन नारू और सीनम कैथलिक हरियाणवी संस्कृति की प्रस्तुति आपके बीच में देंगे। इस भाई का एक बहुत ही लोकप्रिय गाना अभी वायरल हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा है, कई लाखों उसके व्यूज हैं। मेरा चांद लुके हांडा रे घूंघट की ओर। धन्यवाद भाई हरियाणवी संस्कृति के कलाकारों को जिन्होंने हमारे प्रदेश की संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया है टेलीविजन और यूट्यूब के माध्यम से। रिंकू खरंटी, दुनिया का महान खिलाड़ी, पहला रेडर बना हुए, बेस्ट रेडर रहा है वर्ल्ड कप का कनाडा में। एक बार ताली मारो बेस्ट खिलाड़ी के लिए, हरियाणा का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड कप का पहले स्थान का खिलाड़ी है, 25 में से 23 पॉइंट लिए हैं और हिंदुस्तान का बेस्ट खिलाड़ी है। दूसरे नंबर पे रहा सुल्तान समसपुर, तीसरे नंबर पे हीरा भट्ट पाकिस्तान। जितेंद्र जी, हाँ जी, हमारे भी भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बहन गायत्री यादव जी पहुंचे हैं। मैं कार्यक्रम के मोहन यादव जी व मदद सोसाइटी के सभी स्वागत समिति के सदस्य गणों से गुजारिश करूंगा कि वो आए हुए अतिथि गणों का स्वागत करें। जितेंद्र जी, और कपिल सिंह शानदार पॉइंट, और आज यहाँ बेस्ट रेडर कहते हो तुम समाते मोटरसाइकिल। हरियाणा प्रदेश में बेस्ट रेडर को मोटरसाइकिल की शुरुआत भाई मीरान गांव ने की थी, बहुत बहुत धन्यवाद है मीरान गांव की खेल समिति को। और वो पहला मोटरसाइकिल सतपाल उर्फ लीलू बदावड़ ने जीता था भाई, धन्यवाद उस महान खिलाड़ी को भी। उसके बाद परंपरा शुरू होगी, एक एक सीजन में 100-100 मोटरसाइकिल रखे जाते हैं हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी अच्छे खेल के माध्यम से मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, 4x4 जीप, सफेद घोड़े, मुर्रा नस्ल की भैंस और बड़े बड़े इनाम है। पहली बार हरियाणा प्रदेश में अब कारनामा हो रहा है, 17-18 नवंबर को गांव लेजवाड़ा जिला जींद में पहला इनाम 71,000, दूसरा 51,000, तीसरा 31,000 और बेस्ट रेडर कैचर को फोल्ड 3600 दिया जाएगा भाई गांव लेजवाड़ा जींद। ताड़ी मारो उस खेल कमेटी के लिए भाई, पहली बार रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 2 खिलाड़ी बार के खेल सकते हैं 17-18 नवंबर 2018 लेजवाड़ा जिला जींद, बेस्ट रेडर कैचर को फोल्ड 3600 दिए जाएंगे। बबल धारसुल की रेड, बबल धारसुल रेड में, और देखिए भाई सुनिए रेफरी का फैसला, पॉइंट समान फतेहाबाद के खाते में। फिर रेड पे चले आए रिंकू खरेटी, रविंदर कुमार नैन उर्फ रिंकू खरेटी, ये खिलाड़ी है भाई जिसने पूरे कनाडा सीजन में खेलते हुए हमारे देश का झंडा बुलंद किया और खून पसीने से देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल वर्ल्ड कप का पहले नंबर का खिलाड़ी, बेस्ट रेडर रहा है दुनिया का, और अभी भी अच्छा खेल जारी है। कल जो 1 करोड़ की लीग संपन्न हुई उसमें भी फाइनल खेला है, सेकंड रही हरियाणा प्रोविंस की टीम, और लाखों दिलों को जीतने का काम किया है, 7 में 75 लाख रुपए जीते हैं। नरेश कुमार सिहाग, गांव खरड़ जिला जींद, सामने सिंह वारागो के 3 कैचर, चौथा है सोनू पुराणा जिला पानीपत, श्याम मित्ता रामदिया और सोनू पुराणा, और रेफरी के रूप में सहयोग कर रहे हैं भाई अजय बरसी, मास्टर सतपाल पेगा, जगन डीपी जी चीफ रेफरी, और देखिए मीता, ये है भाई एक शानदार स्टार। अब चले रेड पे कपिल, कपिल सिंह हुआ की शानदार रेड, और भाई अभी इस सीजन की एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट होने वाली है, 10 नवंबर 2018 को गांव बिलाल जिला चरखी दादरी, 16 इनाम है, पहला इनाम 1 लाख, दूसरा 71,000, तीसरा चौथा 21,000, क्वार्टर फाइनल में 11,000, प्री क्वार्टर में 71,100,
बुलेट मोटरसाइकिल दिए जाएंगे गांव बिलाल जिला सरखी दादरी 10 नवंबर 2018 दो खिलाड़ी मार के सिर्फ 32 टीमों की एंट्री होगी भाई। धन्यवाद है भाई जांगो ब्रदर्स और समस्त ग्रामवासी बिलाल को। अब रेड पे है नन्ना सिंह और मनदीप नारू उर्फ नन्ना सिंह। और भाई कमेटी की फिर रिक्वेस्ट है जो भाई दीवार पे बैठे हैं भाई किसी डाल की चोट ना खा ली हो भाई, कोई हादसा ना हो जाए, प्यार से बैठे रहे, कदे किलकी मारने का चक्कर में को आकर घुस गया। बबलदार सुन फिर रेड पे और अब रेड पे है भाई रिंकू खरेटी गांव जोड़ी खेड़ा जिला करनाल में 1 दिसंबर को होगा। दो खिलाड़ी बार के पहले नाम 81,000 दूसरा 61,000 बेस्ट रेडर कैचर को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी मैं गुजारिश करूंगा श्री रामनिवास पांचाल जी से, फकीर चंद पूर्व सरपंच जी से कि वो हमारे बीच पहुंचे वशिष्ठ अतिथि के तौर पर भाई मनोज राठी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मनोज राम राम भाइयों, मैं हूं भाई जय लाठर। तारा सारे भाइयों का कबड्डी प्रेमियों का खेल कबड्डी लाइव KKL चैनल पर बहुत स्वागत है। मैच देखने लाग रहे हो कबड्डी का, जय मित्रों मैच में स्वाद आ रहे हो ने तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और इस मैच ने शेयर जरूर कर दियो सारे के सारे ग्रुपा में। भाई कर दियो यार तारा चैनल रहे सब्सक्राइब जरूर कर दियो। आज 5100 रुपए अपनी निजी कमाई में से मदद सोसाइटी को दान स्वरूप दिए हैं। मैं भाई मनोज राठी का अपना बेशुमार कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुंचने में जो और हमें जो मार्गदर्शन हमारा किया, सुभाषी समय दिया और हमारे बीच खेलों का जो एक बढ़ावा देने के लिए एक बढ़ चढ़ कर और भी घोषणा की, हमारी मदद में तत्पर, हमेशा हमारे सहयोग में तत्पर भाई मनोज राठी को स्मृति चिन्ह देकर हमारी कार्यकारिणी के सदस्य भाई फकीर चंद जी, रामनिवास पांचाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भाई मनोज राठी जी को सम्मानित करें। कैमरे वाले भाई से मेरा निवेदन है कृपया वो मुख्य मंच और इससे बड़ी घोषणा जो पहले भी हमने की थी कि मनोज राठी जी ने ये कहा कि हांसी शहरवासियों का जो ये एक दिव्य स्वप्न है कि हांसी में एक स्टेडियम हो और संजय कमांडो जी जो यहाँ 1,000 प्रतिभाओं को तराशने का कार्य कर रहे हैं वो स्वप्न पूरा हो, उसके लिए अगर वो पूरा होता है तो हमारे बड़ी घोषणा साथ में की कि अगर ये स्टेडियम का स्वप्न पूरा होता है तो पहला जो कमरा होगा वो हमारे बड़े भाई मनोज राठी जी के सहयोग से होगा। इसके लिए मैं दर्शक साहिबानों से दोबारा चाहूंगा कि वो एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे ताने स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं गुजारिश करूंगा हमारे पितामह रण सिंह यादव जी से, कार्यक्रम के संयोजक जगमोहन यादव जी से कि वो हमारे कुश्ती के जो दुलीचंद यादव जी से कि वो हमारे कुश्ती के जो कोच हैं, एकमात्र कोच मैं कहूंगा फांसी क्षेत्र में जिन्होंने कुश्ती को जीवित रखा है और जो अपने पूरे तन मन धन से पूर्ण रूपों का न केवल मार्गदर्शन करते हैं उन्हें सम्मानित करें, सम्मान दें। मैं गुजारिश करूंगा श्री रण सिंह यादव जी से, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जगमोहन यादव जी से, रामनिवास पांचाल जी से, दुलीचंद पूर्व सरपंच जी से कि हमारे इन द्रोणाचार्य को जो हमारे कोच हैं जितेंद्र और जो वर्तमान में कार्यरत हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, हाशी की आन बान शान है कुश्ती के क्षेत्र में, कुश्ती दंगल में, और जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं, उनको सम्मानित करें।
मैं गुजारिश करूंगा मदद सोसाइटी के अध्यक्ष भाई जितेंद्र यादव जी से, नवीन कौशिक जी से, कि वो आज के हमारे दानवीर करण 11,000 की राशि से जिन्होंने मदद सोसाइटी को मदद की है और हमारे में पहुंचे हैं हिंदुस्तान कृषि यंत्र के जो कर दिया और कि उन्हें वो सम्मानित करें। देखिए मैं बबलदार सुंदर पे और शानदार मुकाबला इस खेल मेले में हरियाणवी संस्कृति के एक और बहुत बड़े कलाकार भाई चांदी बिरवाल चांदी सोर की हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई का धन्यवाद स्वागत और भाई ने 500 रुपए से मेरा मान सम्मान किया धन्यवाद। और भाई मुकेश चूरण कबड्डी फैंस क्लब के एडमिन 1,17,000 मेंबर हैं और में जो खेल मेला होगा भाई ने कहा फौजी भाई आपको विशेष तौर पर सम्मानित करेंगे धन्यवाद भाई मुकेश चूरण। और ये रेड पे है नन्ना सिंह वारागो 1 दिसंबर को जोड़ी खेड़ा में कबड्डी के मैच है 2 खिलाड़ी बार के 81,000 का इनाम है 2 खिलाड़ी बार के बेस्ट रेड कैचर को 21,000 और ये अच्छा प्रयास समान के कैचर का नन्ना सिंगवा शानदार रफ्तार और देखिए भाई कमाल का एक और अंक तोड़ा है नन्ना ने रफ्तार का बेताज बाद 6 खिलाड़ी। और इस खेल मिले में हमारे सहयोग के लिए इस इलाके के जितने भी किसान और पशुपालक भाई है उनके लिए खुशखबरी है भाई डॉक्टरों की टीम है गोहाना जिलेबी भंडार के पास में डॉक्टर जसबीर मलिक जी जमोला। यदि आपके किसी भी पशु को कोई दिक्कत है तो आप उनसे उपचार के रूप में परामर्श ले सकते हैं भाई यहाँ दवाइयों की कोई खरीद बेच नहीं है धन्यवाद भाई। एनिमैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड विकास मेणेवाल जी यशपाल दलाल जी जयराम जी संदीप और प्रवीण मलिक रेड पे रिंकू खरेटी कबड्डी का एक सुपरस्टार बड़े बड़े स्टार यहाँ पहुंचे हैं आज धन्यवाद भाई इस खेल कमेटी के प्यार प्रेम को। और मैं तारीफ करना चाहूंगा इस खेल मेले की हमारी खेल कमेटी की भाई हम अपने सर को ही बढ़ाई नहीं लेते भाई जितेंद्र यादव जी जगमोहन जी टीकाराम शर्मा जी भाई संजय सिंगला जी ये आपकी मेहनत है आपका प्यार है पूरा हरियाणा यहाँ पहुंच गया है अपने खेल के प्रदर्शन के लिए और अच्छा सहयोग किया है थाना गाँव की खेल समिति ने जो हमारे खेलों को सफल बनाने के लिए एक दिन आगे पीछे का गैप किया इस खेल टूर्नामेंट में धन्यवाद। अब रेड पे है नरेश खड़ और देखिए हमारे दानवीर कर्ण गौ भगत भाई टीकाराम शर्मा जी जिन्होंने हमारे 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है धन्यवाद। खेल मैदान पे 3 दिन से शारीरिक सहयोग भी दे रहे हैं उनके बेटे दयानंद शर्मा जी अपने भारतवर्ष के एक जूडो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से खुश होकर हमारे आज के खेल में डॉक्टर रमेश यादव जी उन्हें यहाँ सम्मान कर रहे हैं मंच के माध्यम से एक प्रतिभा का मान सम्मान किया जा रहा है जोरदार तालियां प्लीज ये खिलाड़ी हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं धन्यवाद भाई। लाइव वाले एक बार कैमरा घुमा दिए दयानंद हमारे छोटे भाई को दयानंद बड़े मान सम्मान की बात है 20 दिन के अंदर 11 मोटरसाइकिल सिंगवारा को अपने नाम किए ये रेड पे है नन्ना सिंगवा और हमारे भाई अजीत खनगर शहीद भगत सिंह संस्था के हमारे साथी हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद गांव धनाना हमारे भाई संजय कमांडो के छोटे भाई। अब रेड पे है बबल धारसू गांव धारसोल जिला फतेहाबाद और भाई शानदार रेड डबल गांव धारसोल जिला फतेहाबाद सोनू पुराना श्याम सिंगवा दोनों की स्टार जोड़ी कॉर्नर में रामदिया प्रयास कर रहे हैं शानदार कैचर और पॉइंट बबल के खाते में आखिरी एक एक रेड का इशारा और वह मैच शायद निर्णायक मोड में है मैं तो वह पूरी पब्लिक ताड़ी मारे एक बार बहुत तगड़ा मैच खेल दिया समान की टीम ने और रिंकू की कैच होती तो कैचर को सोनू बावड़ के द्वारा 500 रुपए दिए जाएंगे वे सिर्फ कैचर पे दाव है और ये कैच का प्रयास कैचर के द्वारा कोशिश लेकिन रिंकू खरेटी की सफल रेड इसी के साथ मैच का भी फैसला हो गया है और मैच विनर रेड लगाई है रिंकू खरेटी ने 19 अंक है सिंगवारागो के और समायण के अंक है 16-1 रेड बाकी है यदि समायण पॉइंट दे भी लेती है तो 2 पॉइंट से सिंगवा इसमें विनर है बहुत बढ़िया मुकाबला